जी बताओ। हाँ जी, जैसे हम एक ट्रैक्टर में चार आदमी इकट्ठा करके लाए हैं, भाड़े में करके लावांगे तो चार टोकन एक ट्रैक्टर का क्यों नहीं काटिए? बोले एक ट्रैक्टर का एक का टोकन कटेगा। ये 5 क्विंटल मेरा बाजरा है, मैं 2000 में ट्रैक्टर किराया करके लाऊंगा तो मैं इस जगह बेच के खाऊंगा क्या? 5 आदमी हम मिलके एक ट्रैक्टर लिया है तो चार आदमी मिलके तो वो टोकन क्यों नहीं काट रहे? किस टाइम पर आप यहाँ पर लाइन में लगे थे और क्या? सुबह 3 बजे आए थे और अभी ट्रैक्टर मेरा 19वें नंबर पर है। तो अधिकारी क्या बोलते हैं? हाँ जी, क्या बोल रहे, आपका नंबर पावेगा और दस्तावेजों में क्या प्रॉब्लम? दस्तावेजों में ये 5 किला बाजरा है, 1 किला बाजरा पास कर रखा है, 4 किले अभी वेरीफाई नहीं हुआ है। मंडी बंद होने के बाद में ये वेरीफाई होगा, मान लीजिए 10 दिन के बाद में वेरीफाई होगा तो जमींदार कहाँ जाएगा? सुरेश कुमार सन्नोप सुमेर सिंह, गांव बलाली, गांव चिड़िया, सन्नोप नाम सचिन सन्नोप जय भगवान। इसमें ये समस्या है कि एक बार ये नो कह दे भाई पर्ची मनवा के लाओ कट्टा की, जद अंदर बढ़न देंगा। जो आड़ती है वो ऐसे कह रहा है कि मैं साथ जाके तुलवाऊंगा, तो ये नो कहे है बाहर निकालो ट्रैक्टर को, सुबह तक लाइन में लगे हुए हैं, वापस काटा तो फिर किस टाइम नंबर आएगा हमारा? ये परेशानी बहुत चल रही है कि कभी उस तरफ से बढ़ दें कभी उस तरफ से, बीच में बढ़ दें हैं किसी किसी को, अरे ये टोकन काटे जहाँ भीतर। तो दस्तावेजों की क्या प्रॉब्लम है? दस्तावेजों की क्या प्रॉब्लम थी आपकी? कितना का बिल दिखा रखा है? कितना बिल का है? जिस तरह मेरा 62 क्विंटल का बिल था, इसको काटा 20 क्विंटल, तो ये अभी हरकत करते हैं, तो ये भी इसके कारण आज फिर ट्रैक्टर भाड़ान करके फिर ले आया, नहीं तो उस दिन ही काट देते तो फिर नहीं आना पड़ता था। ये भीड़ जद्दत हो रही है। सरकार और अधिकारियों से क्या मांग करते हैं? मांग ये है हमारा बाजरा खरीद दिया जाए, सूत्री डाले हमारा काम हो जाए। आज किसानों के बाजरे की खरीद की प्रॉब्लम आ रही थी और किसान काफ़ी समय से परेशान है, 3-3 किलोमीटर की लाइन लग जाती है, किसान ठेली के नीचे रात गुजारता है बैठ के भूखा तिसाया, और आज आश्वासन दिया है कि किसान को कोई दिक्कत नहीं आने देंगे। अगर किसान की खरीद पर फिर दिक्कत आई तो हम मंडी का ताला जड़ने के लिए उल्टा नहीं हटेंगे। 2 दिन का समय दे दिया, अगर 2 दिन में किसान की ये खरीद की सोल हो जाती है तो बहुत बढ़िया है। हम बार बार आके किसान से पूछेंगे, अगर इसमें रुकावट आती है फिर भी किसान की खरीद की बाजरे की और कपास की, इसके लिए हम अपने किसानों को साथ लेकर कोई भी आंदोलन करने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ इस अनाज मंडी में ताड़ा जड़ने का काम करेंगे और गेट के बाहर बैठ जाएंगे, किसी को अंदर नहीं आने देंगे, किसी को बाहर नहीं जाने देंगे। किसान यूनियन के पदाधिकारी आए थे समस्याओं, जो किसान यूनियन के आए थे उनकी मांग थी एक भी जैसे भी लंबी लंबी लाइनें हैं बाजरे की, तो उनको बता दिया गया एक भी जैसे फसल क्या हो गया एकदम हुई है, सरकारी खरीद होने के बाद एकदम आ चुके तो मैनेज कर रहे हैं, तो हमने एक की बजाय एक गेट पर दो आइडिया चला दिए, मतलब दो लाइनें एक साथ चल रही हैं, तो दोगुनी स्पीड से बाजरा जो अंदर आ रहा है। ठीक है, रही बात खरीद की, तो खरीद के लिए खरीद जो परचेज एजेंसी है एफएड यहाँ खरीद कर रही है, तो उनको बुला दिया गया मौके पर, तो उन्होंने आश्वासन दिया कि हम इसकी स्पीड को बढ़ाएंगे, खरीद कम होने के कारण कल जो खरीद शुरू हुई थी वो लेट शुरू हो पाई थी, क्योंकि वो उच्च अधिकारी हैं जो हमारे SDM साहब हैं, पंचकूला से GM साहब हैं, काफ़ी अधिकारी थे जो मौके पर थे, हमारी DMU मैम थी, एसोसिएशन के प्रधान जी थे अपने, तो सभी ने मिलजुल कर जब एक जो सरकार के पैमाने के अनुसार जो मापदंड निर्धारित किए उनके अनुसार काम हो पाए, तो उसके तहत झरने और इलेक्ट्रिक झरने वगैरह पंखे वगैरह लगवाए गए थे।